सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जनपद में अवैध खनन, वो अलग चीज़ है। दूसरे राज्य के लोग यूपी में आते हैं, खनन करते हैं और भाग जाते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सहारनपुर की जो सीमा है वो हरियाणा राज्य से भी लगती है। एसएसपी सहारनपुर साहब ने उसमें अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं, वहाँ पर पीएससी तैनात की गई है और आगे भी संबंधित स्टेट जो है उससे भी हम लोग बात करेंगे और वहाँ के जो आसपास के हमारे पुलिस थाने हैं उनसे हम लोग बॉर्डर मीटिंग करके ये तय करेंगे वहाँ के अधिकारियों के साथ कि उधर के लोग इधर ना आए, ज्वाइंट फोर्स लगवाएंगे और जो भी लोग इधर आएंगे उन पे नियम संगत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या जिस तरह हाल के अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, नशा। हरियाणा पंजाब की सीमाएं लगती हैं, कई उत्तराखंड की भी लगती हैं, कई राज्यों की सीमाएं होने से यहाँ तस्करी और नशा जो बहुत तेज़ी से यहाँ के जुड़े हुए गाँव के क्षेत्रों में और उनमें पनप रहा है। जी निश्चित रूप से, आज सुबह मैं कोई पेपर भी देख रहा था उसमें भी निकला था कि पंजाब से, हरियाणा से और यूपी में बाराबंकी और कुछ अन्य जगहों से यहाँ पर नशे के खेप कुछ आती है और कुछ चिन्हित जगह हैं उसमें हम लोग पहले जनपद स्तर के जो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो इतने भी लोग हैं उनकी लिस्टिंग करवा रहे हैं पूरे जनपद में और इन सबों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। बाकी जिन जिन एरियाज से ये सूचना आ रही है वहाँ भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, रूट लेवल तक जाएँ और वहाँ भी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर आपकी प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? देखिए मैंने सहारनपुर डीआईजी रेंज के तौर पे भी ज्वाइन किया है और यहाँ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली तीन जनपद हैं। जो हमारी बेसिक पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कानून व्यवस्था हर हालत में सुचारू रूप से चलती रहे और किसी भी प्रकार का अपराध ना हो ताकि यहाँ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तीनों ज़िलों में पुलिस अच्छा काम कर रही है, एसएसपी अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे सबसे समन्वय बना के जो भी अपराधी हैं अभी या जो भी कार्रवाई हो रही है उनको कठोर चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी हालत में कोई अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरी हमारी जो प्राथमिकता है वो आगामी निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव सामने है, उसको निष्पक्ष तरीके से हम लोग सम्पन्न कराएंगे, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। थैंक यू।